हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। दिस इज़ अवर 13th नंबर वीडियो ऑफ 10th टॉपिक एंड इन दिस वीडियो वी विल डू अ प्रैक्टिस सेट ऑफ 7 एग्जांपल्स। दिस प्रैक्टिस सेट बिलोंग्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड इन द 12th नंबर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन यूज अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और देयर वी ऑल्सो डिस्कस हमने ये भी डिस्कस किया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर एग्जांपल अपने को फिल करना हो या एग्जांपल अपने को राइट करना हो तो बेसिकली अपने को कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से मेन वर्ब का यूज़ करना होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द 12th नंबर वीडियो हियर वी विल डू दिस 7 क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मीना, देन वी हैव अ स्पेस टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब and in the bracket we have sleep as a main verb. So the example is Meena then sleep when I reached her home. Okay, so this practice set belongs to past continuous tense and in the all examples we will write the helping verb or main verb of past continuous tense. So in the first example the given subject is Meena and the Meena is singular subject and with the singular subject we use singular verb. With singular subject we use singular verb and in the was or were the singular subject is singular verb is was. So with Meena I write here was. It doesn't matter what we have in the helping verb in past continuous tense. We use always main verb fourth form whether it is was otherwise were. It means was or were के साथ always हम fourth form का ही use करेंगे। तो यहाँ पर sleep का जो fourth form बनेगा वो हो जाएगा sleeping. In the second example the subject is Manish and Vishal. Manish and Vishal are two boys. If any सब्जेक्ट दैट आइडेंटिफाई या उसकी हम बात करें कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो हमें आइडेंटिफाई होता है मोर देन वन के केस में या मोर देन वन के नंबर में इट मीन्स दैट विल बी प्लूरल. तो ये जो आपका सब्जेक्ट है सेकेंड एग्जाम्पल में ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज वर इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब वोज हो या वर अपने को तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है तो ये जो मेन वर्ब है डू इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी डूइंग. ओके, सो डू एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होती है लेकिन कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको एज अ ऑप्शन ब्रैकेट में गिवन नहीं होगी. ओके, इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आप एज अ एग्जाम्पल या क्वेश्चन में पेपर में आप फाइंड करते हैं और ब्रैकेट में अगर आपको कोई एक सिंगल वर्ब गिवन है तो वो ऑलवेज आपकी मेन वर्ब की फॉर्म का ही होगा, कभी भी वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म का नहीं होगा. थर्ड एग्जांपल, इन द थर्ड एग्जांपल द गिवन सब्जेक्ट इज गोविंद एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव अ क्वेश्चन मार्क. सो द एग्जांपल इज गोविंद देन स्पेस वॉच मूवी एंड क्वेश्चन मार्क. सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट Govind, Govind is singular and with singular subject we use was and the fourth form of was it is watching. Okay, यहाँ पर जो हम helping verb का use कर रहे हैं वो आपके मेरे basis पर नहीं कर रहे हैं. Subject किस number का है उस number के according अपने को helping verb का use करना होगा. हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर given subject आपका singular है तो आप वॉच का यूज कीजिए और गिवन सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए और प्लूरल वर्ब जो है वो आपकी वर है. तो यहाँ पर गोविंद सिंगुलर सब्जेक्ट था तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा जिस भी नंबर का उसी नंबर के आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा. तो वॉच का हमने यूज किया, बाकी फोर्थ फॉर्म तो अपने को बनाना है और फोर्थ फॉर्म कैसे बनानी है ये हमने प्रीवियस जो वीडियोज थे उसमें डिस्कस किया था. तो वॉच की फोर्थ फॉर्म हो गई वॉचिंग. Fourth example is my brother. My brother is also singular subject. Then not pluck the flowers. Here in the sentence we have not. It means this sentence is going to be
इन नेगेटिव सेंस। ये जो सेंटेंस है ये कौन से सेंस का बनने वाला है? नेगेटिव सेंस का। तो माय ब्रदर ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अपने को वॉच का यूज करना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि नोट जो है वो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है, तो वॉज नॉट, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ प्लक, इट इज प्लकिंग। ओके, प्लकिंग मीन्स तोड़ना, फ्लावर्स को तोड़ना। फिफ्थ, आई देन स्पेस वॉटर टू प्लांट्स व्हेन यू कॉल्ड मी। ओके, सो हियर इज आई। अब देखिए आई जो है वो दिखने में सिंगुलर है और सुनने में भी सिंगुलर ही है। अगर हम आई का यूज एज ए रिटन भी करते हैं तो एक सिंगल पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंस सेंटेंस में या हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, आई जो है वो अपने साथ एक एक्सेप्शन लेकर चलता है। और एक्सेप्शन ये है कि आई के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, कौन से टेंस के अंदर? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ पर अपने को आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जबकि अब से पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने आई का जब डिस्कशन किया था आई को लेकर, तो वहाँ पर हमने कहा था कि आई जो है वो दिखने सुनने या लिखने में सिंगुलर फॉर्म का हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो ऑलवेज प्लूरल होती है। और यहाँ पर हमने कहा कि आई इस टेंस के अंदर अपने साथ एक एक्सेप्शन लेकर चलता है, तो यहाँ पर आई के साथ अपने को सिंगुलर फॉर्म का यूज करना होगा। तो आई वॉज, बाकी वाटर की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वॉटरिंग। ओके, नाउ सिक्स्थ एग्जांपल। इन द सिक्स्थ एग्जांपल वी हैव द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज प्लूरल, इफ द प्लूरल सब्जेक्ट देन वी यूज वर्ब, इट इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव नॉट ऑल्सो, सो इट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सो वर्क स्टूडेंट नॉट, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्क इज वर्किंग। ओके, वर्क स्टूडेंट्स नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग यहाँ से हमने फाइंड किया, नॉट वर्किंग इन लैब, देन क्वेश्चन मार्क। इन द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव सब्जेक्ट यू। ओके, यू मे बी यू अंडरस्टैंड इट इज सिंगुलर, बट इट इज मे बी सिंगुलर। ओके, क्योंकि यू का जो यूज है वो एक सिंगल पर्सन या मोर देन वन पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, इन जैसा कि ये सेकेंड पर्सन के केस में यूज होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ये होता है पर्सनल प्रोनाउन के केस में। लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो ऑलवेज आपको प्लूरल नंबर का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं यू वर, यू के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब अपने को यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यू वर और जो भी आपकी मेन वर्ब ब्रैकेट में उसकी फोर्थ फॉर्म आप बना दीजिए शाउटिंग। ठीक है, तो यू वर शाउटिंग व्हेन योर फादर केम टू होम। तो ये आपके सेवन एग्जांपल्स हुए जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के फॉर्म्स में रिटर्न थे। तो इनके बेसिस पे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करनी होगी।